अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपकी तो से हम भी ठीक हैं। बस सुबह की रूटीन का आगाज़ हमारा हो गया यहीं से। अब हम बनाने लगे हैं नाश्ता। नाश्ता बना रही हूँ मैं। हमारे घर आए हैं मेहमान, हमारी नंद आई है, उनकी बेटी आई है, तो मैं बना रही हूँ उनके लिए नाश्ता। तो जैसे ही मैं दिखाती हूँ आपको नाश्ता। ये देखिए बन रहा है नाश्ता, पेड़े करके रखे हैं मैंने। तो इधर पक रही है चाय, गैस बहुत स्लो आ रही है। इधर पक रहा है अम्मी का ना वो क्या उसको कहते हैं, अम्मी का पराठा। इधर सालन मेरा गर्म हो गया आलू कोफ्तों का। तो हमारी नंद बैठी हुई है अपनी अम्मा के साथ, बातें कर रही हैं। तो मैंने कहा बातें करो जब तक, मैं तो नाश्ता बना के लाती हूँ। मैंने सुबह सुबह धोए कपड़े, सर्दियों के निकाले थे नीचे से तहखाने से, तो वो उनमें से ना स्मेल सी आ रही थी नमी नमी की। तो फिर मैं अब धो के उनको ऊपर डाल के आई हूँ। तो भाभी को उठा रही हूँ कि उठ जाओ, वीडियो बनाना शुरू कर दिए मैंने, तो अभी सो रही है। तो अभी उठाती हूँ उनको। लीजा तो उठ गई है, अभी उठाने जाती हूँ। ये देखिए उनके कमरे में भी कल का ऐसे ही खिलारा पड़ा हुआ है, जो लंडे का निकाल के लाए थे हम, ऐसे ही पड़ा हुआ। भाभी उठ जाओ, सुबह हो गई है। ये देखिए सो रही है, अभी तक उठी नहीं है। जैसे चले मैं इनको उठाती हूँ तो नाश्ता देती हूँ उनको, सबको नाश्ता दे के, तो फिर आपको मिलते हैं आपसे आके। देखिए गाइस हम उठ गए हैं, भाभी उठ गई है, लीजा देखिए डांस कर रही है। वो भाभी को कह रही उठ के नाश्ता बना दो, भाभी कहती जा नान ले आ, तो वो जा ही नहीं रही है। देखिए इसको आखिरी मस्ती सवार हुई है। चल जा आटा ले आ कमरे से, मेरे फ्रिज में से। ये देखिए ये इस तरह करती है, चलेगी आटा लेने। इधर भाभी उठ गई है, भाभी ने अभी दुपट्टा नहीं पहना। तो और भाभी उठ गई हो? हाँ मैं उठ गई हूँ अभी। हाँ उठ जाओ फिर, चले सलाम ले ले भाभी से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं अभी मिलती हूँ बाद में आपको। हाँ भाभी जा रही है वॉशरूम। हमारे मेहमान बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, उनकी बेटी सो रही है, अभी वो उठेगी तो फिर उनको नाश्ता दूंगी बना के। वो भी सो रही है, तो नंद हमारी बैठ के नाश्ता कर रही है अम्मी के साथ, अपनी अम्मी के साथ बैठ के बातें बूतें कर रही है। तो हमारा माल भी आ गया है, चले सुबह की आगाज़ हुआ है हमारे माल के साथ। तो चले काम करते हैं, तो फिर बताएंगे आपको कौन सा माल आया। चले गाइस आज मैं उठ गई हूँ, मम्मा नाश्ता बना रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सालन भी ले जाओ। देखें हाँ ये सालन बड़ा, इतना सालन ये हमने पकाए हैं नीरे आलू, जैसे सोनिया को बाल करती है नीरे आलू। तो यहाँ पे मैं लीजा को दे रही हूँ नीरे आलू के साथ। यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, मम्मा की रोटी है, ये लीजा की, ये मेरी रोटी है, मजे की रोटी बना रही है, मजेदार पराठा बना दो। और उसके साथ फिर इस तरह के गाढ़े गाढ़े मसाले वाले आलू बड़े मजे के लगते हैं सुबह सुबह नाश्ते में। चले मैं आप अंदर जाओ। तो पर नाश्ता तो करने दो। ये मेरा पराठा जा रही हूँ अंदर, कैसे खिल रहा हुआ है हमारा कमरा। मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। चले जी हम घर में नाश्ते नुश्ते से फारिग होके हमने अब शुरू कर लिया है माल। जो हमारे मेहमान आए हैं उनको भी हमने काम पे लगा दिया है। यहाँ पे बाजी भी बैठी काम कर रही हैं और यहाँ आसमा भी बैठी है। तो चाय बना रही हूँ, माल माल बना रही हूँ।
हाँ तो आज आसमा माल बना रही है, तो मैं भी साथ साथ काम कर रही हूँ इधर बैठ के। वेख तू कैमरे च पर की वेखन नहीं देखा ना आप लोग बताना जरा आसमा बात आप लोग में से करी है देख उधर रही है अच्छा आसमा को कोई देख रहा है होए ड्रोना जीन ते नहीं आ गया कोई साढ़े घर अम्मी भी वहाँ अंदर बना रही हैं काम बैठी हुई हैं तो हम लोग यहाँ बाहर बैठे हुए हैं और आज मौसम भी बड़ा प्यारा है आज का कल भी बहुत प्यारा था आज तो धूप निकली हुई है तो वहाँ बाहर कोई आ रहा है कल की वीडियो में मैंने दिखाया हाँ था वहाँ शाजिया भाभी आई है अंदर तो देखें जरा थकी आ रही कहाँ से आई है दो मिनट गुल्लू की दुकान पे गई है थक गई है कहाँ से आई है भाभी उसके लड़के को चढ़ा था बुखार दो तीन दिन से तो वो अब उसको नाच नचा रहा है माँ को अपनी बुखार है ना बुखार अहमद हमारा जो खूबसूरत लड़का जो ट्यूशन जाता है ना उसको बुखार है इसलिए वो दो तीन दिन से वीडियो में नहीं आया हाँ कहेगा आज आपने व्लॉग नहीं बनाना तो फिर हमारे व्लॉग में वो लाजमी आता है अभी वो बुखार चढ़ा हुआ उसको ना आप दुआ करना वो जल्दी से सही हो जाए और फिर वो वीडियो में आएगा ले गाइस अब मुझे बड़ी भूख लग रही है मम्मा कहते हैं मैंने रोटी पका दे मम्मा क्या करियो क्या करियो आटा गूंद रही हो हाँ चल फिर रोटियां बना दो मैं भूख लग रही अच्छा मैं बस आटा गूंद रही हूँ आटा गूंद के बनाती हूँ रोटी ठीक है ये देखिए गाइस भाभी बना रही है रोटियां गाइस ये देखिए ये औरत बहुत लड़ती है मेरे साथ आप इनको जरा कमेंट में बताइएगा ये मेरे साथ लड़े ना ये देखिए ये साग गर्म हो रहा है और यहाँ पे ये बनाने लगी है रोटियां मैंने इसको कहा मैंने भी बनाने ये देखिए मैंने पेड़े करके रखे हैं तो मैं क्या मुझे भी जगह दो मैं भी बनाऊं कहती नहीं तू नहीं बनानी मेरा शोहर आने वाला कार नमाज ये देखे वो नमाज पढ़ रहे हैं कहता मैं नमाज पढ़ के हटता हूँ तू मुझे रोटी दे और इधर हमारे जो मेहमान आए हैं वो लेटे हुए हैं आराम फरमा रहे हैं इधर जो लीजा है क्या कर रही है लीजा कौन सा सालन लीजा को तो आलू बहुत पसंद है वो भाभी के निकाह में लिखे गए आलू इधर अम्मी गई थी मिलाद पे अम्मी मिलाद पे गई थी मिलाद से आई है अभी तो अभी आके ना नमाज वजू करने लगी है नमाज पढ़ने लगी है दाल चावल और आलू शिबाना के निकाह नामे में लिखे गए हैं इसलिए ये आलू बहुत खाते हैं इसका मियाँ और इसकी बेटी आलू बहुत शौक से खाते हैं और दाल चावल पकी हो तो फिर तो इसका मियाँ नाचता है ईद हो जाती है चले गाइस ये देखे भाभी बना लेगी अभी रोटियां फिर मेरी बारी उसके बाद फिर दिखाएंगे हम जब वसीम भाई आएंगे ना फिर आपको दिखाएंगे वो कैसे खाते हैं हाँ आज मैंने शामी टिकिया बनाई है तो टाइम नहीं था वीडियो डालने का तो वो अब इसमें दिखाऊंगी मैं इसमें वीडियो में पूरी करके दिखाऊंगी आपको चले ठीक है मैं रोटियां बनाती हूँ तो उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको गाइस इन्होंने कपड़े उतार लिए हैं ये देखे मैंने ना सुबह सारे कपड़े धोए थे तो अब मैंने उतार लिए सारे कपड़े उतार लिए मशीन मेरी बड़ी वो सख्त जा रही थी तो मैंने तेल डाला देखती हूँ आज धूप निकली थी ना तो तेल लगा के इसको मैंने ऊपर रखा है थोड़ी हल्की हुई है सुबह फिर इसको धूप लगाएंगे इसमें बना ली हैं मैंने रोटियां इतनी सारी अब देखें जरा इसको अब बना रही है खुद तो मैं बना रही हूँ आपकी मियाँ जी तो अभी आए नहीं रोटियां पे पहले बना रही हाँ तो अच्छी बात है ना उन्होंने बस नमाज पढ़ के आ जाए ना फौरन लोला इतना डाला था इसने
रास्ते में कहीं मस्जिद होगी ना वहाँ पे पढ़ लेते हैं, अगर रास्ते में अजान हो जाए तो। बस मैं भी बना रही हूँ तो रखें, फिर गैस चली जाएगी ना, अभी आ गई गैस। पकाया क्या है? करेले हैं इधर, ये करेले गरम किए हैं बाबा जी के लिए, और शामी टिक्की वो भी अंदर ही पड़ी है, मैं तो बाहर लाऊंगी गरम हो जाएगी। चलो सही है, जल्दी से पका लो रोटियां, और पक भी रही हैं, देखें थपड़ थपड़ रोटियां पक रही हैं। किसी ने लगवानी है तो आ जाए हमारे घर, तंदूर ऑन है। चलो मैंने भी अब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, हस्बैंड आने वाले हैं, बस रोटियाँ पक गई हैं, तो साग गरम किया हमने, साग के साथ खाएंगे। आज काम ही इतना था तो काम में टाइम ही नहीं मिला खाना बनाने का, तो मैंने कहा चलो साग पड़ा हुआ, आप लोगों को पता है साग वैसे भी हर जो जिसको पसंद है वो रख रख के खाते हैं साग, तो इसीलिए फिर मेरा भी मैंने भी फ्रीज़ किया हुआ था, अभी उसका गर्म किया, तो वैसे भी बड़ा मज़े का बनाया था, कहते हैं थोड़ी चीज़ बनाओ तो सुथरी बनती है, तो इसीलिए मैंने भी 1.5 किलो साग था और थोड़ी सी पालक थी, वो मैंने गर्म किया, अब आएंगे तो वो खाना खाएंगे, फिर थोड़े से सालन बना हुआ था आलू का, वो भी अलीज़ा खा लेगी, अलीज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखें रोटियाँ तब थपी जा रही हैं और पकाई जा रही है, कितनी पकाओगी रोटियाँ? अभी तो मैंने 3 पकाई हैं। अच्छा, 3 ही सब खाएंगे? हाँ, एक अली की और एक इसके पापा की। चलो सही है, चलो बना लो रोटियाँ, मैं देखूँ जरा, अभी इसके लीजा के पापा नहीं आए अभी, तो ये देख ले लीजा पापा, लीजा मेरे साथ लड़ाई करी है, इसने मेरे यहाँ से बाल भी नोचे हैं, और वो देखो ये अब कैसे बैठी है, ये देखो ये मारा, 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 मैंने कोई नहीं मारा इसको, मारा ही नहीं मैंने, मैंने नहीं मारा। मगरमच्छ के आंसू, YouTube वालों सब बताओ मैंने लीजा को मारा है कोई? आप बताएं जरा कमेंट में, लाजमी बताना कि मैंने कोई लीजा को मारा है। ये देखो जरा, ये देखो, ये देखो, ये देखें जरा, ये देखें, ये देखें, ये देखें, वीडियो बन रही है, आप चली जानी है YouTube पे ऐसे ही। ये याद रखी। मेरे साथ लड़ाई कर रही थी तो मेरे से नाराज होके चली गई है बाहर, मैं देखती हूँ कहाँ गई है, दरवाजा खुला तो है। लीजा किधर गई है? ये देखे अंदर, ये वॉशरूम में छिपी है, पता है मुझे, बाहर गई थी, क्या लेने गई थी बाहर, पता नहीं चलता तुझे, हालात खराब है, बाहर चली गई थी, पागल हो गई हो, चल अंदर आ, अंदर आ, चलो चलो कमरे में ठंडी लगाऊंगी, चल आने दे तेरे पापा को, देखे मैं जरा, मैंने ये डाल दी नहीं, ये याद रखी, ये मैं डालने के लिए ही बना रही, किस तरह की बातें करते, किस तरह ने पता नहीं, मैं हूं की करने लगी, अंडे अंडा फेट रही टिक्कियां तलने के लिए। अच्छा ये देखें इसने बनाई है, गैस चली जानी है ना, शामी टिक्कियां ये हैं, इतनी सारी माशाल्लाह अल्लाह बरकत डाले, तो ये घर में बनाती है और सेल भी करती है, ठीक है, इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी आज, ठीक है। आसमा को देखो क्या कर रही है अंदर, की कर रही है, नहीं कपड़े तय लगा रही हूँ अली के, इसके पापा के अलमारी में रख रही थी। अम्मी क्या कर रही है?
मैं शापर धोते से ठीक कर रही हूँ अपने तय लगा कर अभी जरूरत पड़ जाती है बास्केट के लिए कूड़े के लिए और दूसरे इस्तेमाल के लिए। हाँ अम्मी हमारी शापर जाया नहीं जाने देती। ये देखिए उन्होंने शापर जो है ना ये सरफ से धोए हैं उन्होंने। मैं तय लगा कर रहती हूँ मैं जाया नहीं करती। हाँ अम्मी तय लगा कर रहती हूँ। हमें भी जिसको भी जरूरत हो अम्मी से ही मांगते हैं हम। अम्मी हमें शापर देना ये डालना वो डालना। आसमा यहाँ पे गर्मी सर्दी के कपड़े आगे पीछे कर रही है। गर्मियों के पीछे कर रही है सर्दियों के आगे कर रही है। मैं धोए थे ना तो मैं कहा चलो अब निकालूं। सूख गए? हाँ सूख गए थे सारे वो ही रख रही हूँ। चलो सही है। चलो ठीक है। अब ये सारा दिन की हमारी रूटीन थी। सारा दिन आपको बताया हमने क्या किया क्या नहीं किया वो भी दिखाया बताया। तो अब चले कल नए ब्लॉग के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच भी किया करें। फुल वॉच किया करें। फुल वॉच किया करें। यहाँ सारा यहाँ ऊपर वाला खाना अम्मी का ये वाला ये वाला अली का है। उधर वाला वो ऊपर इसके हस्बैंड के हैं नीचे इसके पड़े होते हैं। इसने इस तरह रखे हुए हैं। तो चलें ठीक है जी आज का भी लोग हमारा इधर था नहीं इधर तक की था। अल्लाह हाफिज़। और इधर आए मैं कमरे में आई हूँ। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है संगाड़े वो बहुत खाते हैं तो यहाँ बैठे हुए हैं वो। तो वो उधर लीज़ा को भी पसंद है। तुझे भी पसंद है? चलो सही है। इनको तो बहुत ही पसंद है संगाड़े तो ये यहाँ पे छील के खाएंगे। अब मैं भी खाऊंगी मुझे कौन सा मुंह नहीं लगा हुआ। चलिए जी ये देखिए मैंने इसमें ना धनिया हरी मिर्चें और प्याज काट के डाल दिया। इस तरह से इसका वो बना दिया इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब मैं इसकी बनाऊंगी टिक्कियाँ। फिर टिक्कियाँ जब बन जाएंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखना मैंने सारा रेसा अच्छी तरह इसको वो कर दिया। इस तरह हो गया सारी टिक्कियाँ बना के मैं इसको रखती हूँ। इस डब्बे में रखूँगी ये शापर साल लगाऊँगी ताकि ये चिपके ना। ये देखिए मैंने इस तरह की टिक्कियाँ बना ली हैं। इसको मैं ये डब्बे के अंदर अंदर रखूँगी। दूसरी बना के दिखाती हूँ आपको। ये मेरी सेल भी होती हैं अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा फिर आप अगर किसी ने ले लिए हो तो। ये 450 की 12 देती हूँ। पहले मैं 300 की देती थी। हाँ 300 की देती थी। अब आपको पता है मसाले भी महंगे चिकन भी महंगा दाल भी महंगी हो गई इसलिए मेरा रेट अब ज़्यादा हो गया। तो ये सेल होती है ऑफिस जाती हैं ऑफिस में है वो लेके लेती हैं। देखिए इस तरह बना के सारी मैं रखूँगी इनको तो जब फ्राई करनी होगी तो फिर मैं अंडे के अंडा लगा के इसको फ्राई कर दूँगी।